अपडेट और खबरों के लिए टीवी वन इंडिया को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें। MIDC में बिजली आपूर्ति की धांधली से सैकड़ों यूनिट बंद, विद्युत अभियंता बोले सब कुछ है ठीक, खंडित बिजली खोल रही पोल। एशिया का ये सबसे बड़ा औद्योगिक क्षेत्र MIDC है, जहां खंडित बिजली आपूर्ति के कारण सैकड़ों कंपनियां बंद हो रही हैं। बिजली की आंख मिचौली का सबसे अधिक खामियाजा अति आवश्यक सेवाओं से जुड़ी दवा, बॉक्स, फूड प्रोसेसिंग एवं अलाइड इंडस्ट्रीज को उठाना पड़ रहा है, जिन्हें लॉकडाउन में खास तौर पर चालू रखना जरूरी है। उद्यमी परेशान हैं, लेकिन विद्युत वितरण कंपनी है कि तमाम शिकायतों के बाद भी झूठ का बहाना कर उद्योगों से पैसा ऐंठने में लगी है। उद्योगपति बताते हैं कि अंडरग्राउंड केबल बिछाने के नाम पर विद्युत वितरण कंपनी औद्योगिक इकाइयों से करोड़ों रुपए वसूल चुकी है, लेकिन सेवा देने के नाम पर बहानेबाजी और सिर्फ धांधली चला रही है, जिससे उत्पादन और कामकाज दोनों प्रभावित हो रहा है। जी बिल्कुल, इन दिनों बहुत समस्या है MIDC नवी मुंबई में। पहले ये इतनी समस्या नहीं हुआ करती थी बिजली की, लेकिन दो वर्षों से बहुत ज्यादा समस्या है, जब से बड़ी बड़ी कंपनियों ने यहाँ पर अलग अलग समय पे खुदाई चालू की है, जगह जगह रोड खोद दिए हैं और वो खोद के केबल काट के चले जाते हैं बाद में कॉन्ट्रैक्टर्स जो हैं, और बाद में इस पर कोई ध्यान नहीं है। ये सब प्रॉब्लम जो है बारिश के समय पे बढ़ जाती है। बारिश में दो घंटा भी अगर बारिश जोरदार हो जाए तो पावर कट हो जाती है, और ये समझ में नहीं आता है यहाँ पर लाइनमैन को, इंजीनियर्स को, कि ये कहाँ से कट हुई है। और फिलहाल जो कोरोना की स्थिति में और भी समय लग रहा है, जो चीज एक घंटे दो घंटे में पहले ठीक हो जाती थी उसको एक एक दो दो दिन लग रहे हैं, तो एक एक दो दो पिछले आज 15 दिनों में मुश्किल से एक हफ्ता, मतलब 7-8 दिन तो पावर ही नहीं थी हमारे एरिया में। हो सकता है ये सभी एरिया में स्थिति ना हो, लेकिन हमारे एरिया में कई एरियों में पावर की प्रॉब्लम है। एसोसिएशन को भी इसके बारे में बताया गया है और MSEB को भी इसके बारे में जानकारी दी गई है। तो ये लोग कर रहे हैं सुधार, बोल रहे हैं हमारा चालू है, लेकिन पावर की तो स्थिति खराब ही है इस वक्त। राज्य सरकार की तरफ से तो फंड्स सैंक्शनड है ऑलरेडी, कई 100 करोड़ के सैंक्शनड है मेंटेनेंस के लिए, लेकिन आज पिछले 2-3 सालों में कुछ खास मेंटेनेंस नहीं की गई है। कोविड तो अभी आया है, लेकिन पिछले 2-3 सालों से ये समस्या है। बारिश में आधा टाइम पावर ही नहीं रहती है, कभी ट्रांसफार्मर में तकलीफ है, कभी कहीं की केबल में तकलीफ है। तो ये इसकी मेंटेनेंस के लिए जब अगर फंड्स सैंक्शन है स्टेट गवर्नमेंट से, तो यहाँ पर वो फील्ड भी क्यों नहीं उसकी मेंटेनेंस प्रॉपरली की जा रही है। अगर ट्रांसफार्मर पुराने हो गए तो उनको क्यों नहीं बदली किया जा रहा। केबल, अगर मेन केबल ट्रांसफार्मर से हमारे एरिया तक जो केबल आती है मेन MSEB की केबल, कई जगह पे कॉन्ट्रेक्टरों ने रोड खुदाई के टाइम पे काट दी है, उनके ऊपर एक्शन क्यों नहीं लेते हैं इंजीनियर्स। आज अलग अलग कंपनियां आती है, कभी कोई गैस की पाइपलाइन है, कभी कोई नेट की पाइपलाइन है, कोई बड़ी बड़ी कंपनियां खुदाई कर देते हैं, प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स बिना किसी परमिशन के वो खुदाई कर देते हैं, खुद के केबल काट के चले जाते हैं, दो दो दिन पावर नहीं रहती है, उनके ऊपर कोई FIR नहीं है, कोई उनके ऊपर एक्शन नहीं है। तो यहाँ पर जो ऑफिसर है वो लोग क्यों नहीं एक्शन लेते इन लोगों के ऊपर, बड़े क्या इनके ऊपर बड़े कंपनियों का क्या दबाव है। और उसके अलावा अगर ये हो भी गया है तो इतना फंड सैंक्शन होने के बाद वो केबल क्यों नहीं बदली की जा रही है, इसका हर्जाना हम कंपनी वाले क्यों भुगते। हमसे डिपॉजिट लिया गया है इतने सालों से, और हर टाइम में बिल में दुनिया भर के चार्जेस लग के आते हैं, और उसके बाद जो डिपॉजिट लगता था एडिशनल डिपॉजिट भी मांगते हैं, और सैंक्शन है मेंटेनेंस के लिए इतना, उसके बावजूद ये नहीं। आज अगर 15 दिन में ये 8 दिन हम बिठा के पगार दे रहे हैं तो हम लोग तो वो भी उसका भी नुकसान भुगत रहे हैं। एक्सपोर्ट नहीं हो पा रहा, आज एक्सपोर्ट का अगर माल नहीं जाएगा तो एक्सपोर्ट नहीं होगा तो हमारा रेवेन्यू का लॉस है गवर्नमेंट का, शेतकरी का लॉस है। अगर भाजी फल फ्रूट के हम बॉक्सेस नहीं दे पा रहे तो शेतकरी का भाजी खराब हो जाएगा तो उसका नुकसान है। तो इसका नुकसान में जिम्मेदार कौन है आखिर। मैं तो बोलूंगा सीधे तौर पर कि पूरी तरह से गंभीरता नहीं दिख रही है मुझे, क्योंकि आज ये समस्या आज अभी की नहीं है, पिछले 2-3 साल की है। आप इसकी पुष्टि करना चाहें तो आप इंडस्ट्रियल एसोसिएशन के साथ में भी पुष्टि कर सकते हैं, कितनी कंप्लेंट रोज की आ रही है आपको सारे आंकड़े, ये स्मॉल स्केल इंडस्ट्री एसोसिएशन से आपको पूरे आंकड़े मिल जाएंगे। गौरतलब है कि MIDC रोजगार देने वाला बड़ा प्राधिकरण है, लेकिन लगातार विद्युत आपूर्ति के खंडित होने से इंडस्ट्रीज बंद होने लगी है। वहीं कुछ दूसरे राज्यों में भी शिफ्टिंग की तैयारी है।
टीटीसी एमआईडीसी इंडस्ट्रीज एसोसिएशन की माने तो बिजली विभाग कंपनियों से पैसे वसूल कर केबल बिछाता है जबकि खुद का खर्च दिखाता है। कारोबार चले इसलिए कंपनी चालक इस मनमानी को सहने को मजबूर है। उद्यमियों ने बताया कि कई इलाकों में फीडर पैनल और केबल बिछाने का फंड भी मंजूर हो चुका है लेकिन काम अभी तक पेंडिंग है। सवाल यह है कि क्या बिजली विभाग करोड़ों का कामकाज सिर्फ कागजों पर चला रहा है? अगर ऐसा है तो यह भारी भ्रष्टाचार का संकेत नहीं तो फिर क्या है? इस पर विद्युत अभियंता रतन पारखी क्या जवाब देते हैं यह भी सुन लीजिए। अब क्या है ये जो है ना, मैं आपको प्रॉब्लम कुछ नहीं है, लेबर तो नहीं थे आपके पास, अभी जो कॉन्ट्रैक्ट जिसको दिया है ना, हाँ बाकी एसटी का तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है सर अभी फिलहाल तो, बरसात की वजह से थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो सकता है, अंडरग्राउंड केबल रह सकते ना एक आध दो घंटा चार घंटा छोटे छोटे केबल के लिए, बाकी तो पूरा लाइन क्या हुआ अपना था, और बरसात आई ना तो वही लाइन का थोड़ा कहीं झाड़ गिर गया, ये हो गया तो एक दो घंटा लगता है सर, बाकी कुछ ऐसा तो दो चार घंटे ज्यादा बड़ा होगा क्योंकि बड़ा झाड़ गिरने के बाद है ना उसको है ना कोई ना कोई तो अरेंजमेंट दूसरी करके चालू करना पड़ता है। हाँ सर क्या है, ये गिरता है तो अपने लोगों से निकाल लेते हैं, कोई ऑर्डर से महानगर पालिका इधर ऑर्डर का कोई नहीं आता है, अपने अपने लोगों से इधर उधर से जमा करके अपनी या कोई अपना वो लिस्टर लेके हम ही लोग काम करते हैं सर। अभी तो फिलहाल क्या हुआ मैं जरा बाहर हूँ सर, जरा जैसा एमरजेंसी में कम से कम बहुत सारे फीडर है, एक आधा घंटा या दो तीन घंटे कोई समझे बड़ा झाड़ गिर गया होगा तो इंसाना फीडर का प्रॉब्लम नहीं होगा, दो चार घंटे ये ऊपर नहीं रहता था बोले तो बंद नहीं रहता है एक आधा फीडर, एक आधा जो कॉम्प्लिकेटेड फीडर हुई वो तो पूरे इंडिया में 40 फीडर है। खैर अधिकारी चाहे जो भी कहें लेकिन एमआईडीसी की हालत कुछ और ही हकीकत बयां करती है जिसका समाधान जरूरी है। ब्यूरो रिपोर्ट टीवी वन।